अज मैं पर्सनली क्योंकि रीगो ब्रिज जो बंद होने तो बाद ट्रैफिक की समस्या बारे बार बार लोगों वालों भी सुझाव भी आ रहे हैं तो प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं उन्होंने देखने वास्ते मैडम अमनदीप साढ़े ADCP ट्रैफिक ADCP मेहताब सिंह जी मिस्टर सुरेंद्र ACP साढ़े जसविंदर जी ACP साहब तो SHO गेट हकीमा सारे नाल ने और सारे असी अज ट्रैफिक का रिव्यू किया इतने खड़ के और सारा ऑन ग्राउंड देख के जो गल सामने आई है कि जो ओल्ड सिटी तो इधर ट्रैफिक जा रहा वो वास्ते तो ऑल्टरनेटिव हैगा कि 22 नंबर फाटक के उत्ते ब्रिज बन चुका पिपली फाटक की थोड़ी प्रॉब्लम है जिड़ी कि असी रेलवे स्टेशन अथॉरिटीज ना टेकअप की जाऊगी सो दैट वह जो टाइमिंग है वॉशिंग वगैरह होनी है जो तो ट्रेन की वो घटाया जाए और ऑड आवर से रखा जाए सो दैट जरा पीक आवर असं बचा लीए। इस अलावा जी मेन प्रॉब्लम आ रही है वो हैगी जो अटारी वाघा बॉर्डर वालों जरा ट्रैफिक इनकमिंग इनटू सिटी है सो वो वास्ते मैं कॉरपोरेशन नाल ते डिप्टी कमिश्नर साहब नाल टेकअप करांगे वड्डे साइनेजेस लग जाण जिहड़े लोगों ने जलंधर जाना है या बाहर दी बात जम्मू वगैरह जाना है या टूरिस्ट भी ने वो बाईपास का रूट असीं उन्हां वास्ते रिकमेंड करांगे जदों साइनेज लग जाणगे लोग आप एजुकेट होकर उधर चले जाएंगे उन्नी देर असीं अपनी जिहड़ी ड्यूटी है पुलिस की वो ला रहे हैं। मैं वैसे भी सारी जनता ना सांझ करना चाहुंदा कि ट्रैफिक जिहड़ा है कल्ला पुलिस का इशू नहीं है पुलिस का काम है रेगुलेशन करनी और मुलाजम असी 700 तो वध मुलाजम ट्रैफिक दे विच लाया बट वॉल्यूम ऑफ व्हीकल्स ते जिहड़ी इह कंस्ट्रक्शन वर्क करके कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं जो कि रोड इंजीनियरिंग जिहड़ी कि कारपोरेशन या रेलवे नाल रिलेटेड ज़्यादा मसले ने वो असी डिप्टी कमिश्नर साहब के थ्रू टेकअप करके उन्होंने हल करावांगे क्योंकि ये पब्लिक दे विच आम परसैप्शन चली जाती है कि पुलिस पता नहीं ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर रही असी दिन रात साड़ी फोर्स साड़े ऑफिसर यही काम कर रहे हैं और असी मैं सारे शहर वासियों नूं विश्वास दवाना कि परसनली असी आप देख रहे हैं कि किस तरह असी पब्लिक वास्ते कंजेशन घटाइए और जो सानू रिक्वायरमेंट है दूसरे महकमे तो रोड इंजीनियरिंग की या प्लैनिंग की वो असी सानू मिले तो असी उन्हों होर फ्लो नूं ईवन आउट कर सकते।